अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामन एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब तक BHU एंट्रेंस के कुछ करेंट अफेयर्स से रिलेटेड एब्रिविएशंस हैं और उनके एक्सपेंशंस यानी कि फुल फॉर्म दिए हुए हैं। इन्हें कृपया करके बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक से दो प्रश्न ऐसे जरूर ही आएंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो तब से पिछले 2 सालों के हैं ये, और कृपया करके अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। रिगार्ड्स महामना एजुकेशन हब। चलते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। सबसे पहला है, आप देख रहे हैं नीति आयोग आया था प्लानिंग कमीशन को हटा के, NITI, और ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसे कृपया लिख लिख के याद कीजिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति, NITI। नेक्स्ट वन इज प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रगति। अगला है पहल, PAHAL, पहल। ऑलराइट, तो प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। ऑलराइट, तो पहल का फुल फॉर्म ये है। हृदय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हृदय, हेरिटेज डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हृदय, HRIDAY का फुल फॉर्म क्या है? हेरिटेज डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। अगला है EEU, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। EEU क्या है? यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। NSM क्या है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। NSM, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, हिंदुस्तान के सभी विद्यार्थियों को और लोगों को कंप्यूटर की शिक्षा से असेस करने के लिए ये चीज़, ये प्रोग्राम चलाया गया है एड्रेस करने के लिए। अमृत है, AMRUT, अमृत क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत क्या है? AMRUT, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। MRT क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। MRT बहुत इंपॉर्टेंट है ये, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ऐसे आर्टिकल्स बहुत सारे आते रहते हैं, और जिसमें इंग्लिश न्यूज़पेपरों में ऐसे एब्रिविएशन यूज़ किए जाते हैं, उनका फुल फॉर्म आपको ज़रूर ही पता होना चाहिए। BOSS, BOSS का क्या होता है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। NMET का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। UPI आप जानते होंगे, UPI जो है आपका अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने का एक बहुत अच्छा स्कीम है, जिसे इन्हीं पिछले 2 सालों में लाया गया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिससे पैसा सेकेंडों में ट्रांसफ़र होता है, अपने फ़ोन से आपने किया और अगले के अकाउंट में पहुंच गया। UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। TLCs, टेक लर्निंग सेंटर्स, टेक मतलब टेक्नोलॉजी, टेक लर्निंग सेंटर्स, TLCs। JAM का फुल फॉर्म क्या है? जनधन आधार एंड मोबाइल, इंपॉर्टेंट है बहुत। PSF, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। PSF क्या है? प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। फिर है POTUS, POTUS, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। INDAS क्या है? INDAS, इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर AVAM क्या है? आप वॉलंटियर एक्शन मंच, आप वॉलंटियर एक्शन मंच। फिर है NERPAP, नेशनल इलेक्ट्रोल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है NERPAP। NERPAP, नेशनल इलेक्ट्रोल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेटेलाइट से संबंधित है, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम। और ये तो ऑलमोस्ट हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 दिन ये वर्ड यूज़ किया जाता है न्यूज़पेपर्स में, अगर आप पढ़ते होंगे तो। IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम।
डे स्कीम है, DAY, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, MHFA, मिशन हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन, मिशन हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन, DI क्या है, डिजिटल इंडिया, MII क्या है, मेक इन इंडिया, SIMO है, SIMO, स्किल इंडिया मिशन ऑपरेशन, स्किल इंडिया मिशन ऑपरेशन, इसके बाद है मुद्रा, मुद्रा मुद्रा बैंक योजना, मुद्रा बैंक योजना, DDUGJY, ये क्या है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय उनके नाम पे बहुत सारे स्कीम्स चलाए गए हैं दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे, RSS के एक बहुत अच्छे स्वयंसेवक थे और मुगलसराय स्टेशन का नाम भी बदलकर उनके नाम पे रख दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDUGJY। इसके बाद है PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, SHC क्या है, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम SHC, BBBP, BBBP है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाएंगे और ये बहुत बड़ा स्कीम था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, DBTSK, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, DBT यूज़ होता है, आपसे यही पूछ लिया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम फॉर कैरोसिन, ऑलराइट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ये याद करके रखिएगा, अलग हो जाएगा, स्कीम फॉर कैरोसिन अगर SK लग गया तो, SBM क्या होता है, स्वच्छ भारत मिशन, SBM स्वच्छ भारत मिशन, PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके बाद है APY, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, SCM, स्मार्ट सिटीज मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन, NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, SPMRM, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ररबन मिशन, ररबन क्या होता है, रूरल प्लस अर्बन इज ररबन, ठीक है ना, तो SPMRM श्यामा प्रसाद मुखर्जी ररबन मिशन, PMUY, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इंपॉर्टेंट है, बहुत हाल की स्कीम है ये और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ऑलराइट, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, काइंडली शेयर इट टू मैक्सिमम एक्सटेंट, अगर वीडियो पसंद आया हो आपके नॉलेज लायक दिखा हो तो कृपया करके लाइक कर लीजिएगा और एक बार फिर से कहता हूँ कि अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके करियर संबंधित बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं जिसको पढ़कर सुनकर देखकर आप ज़रूर ही लाभान्वित होते हैं और मैं समझता हूँ कि आपके करियर के विकास में, आपके करियर को सुदृढ़ बनाने में हमारा योगदान जरूर होगा, आप जरूर इन सब वीडियोज़ को याद करेंगे। Thank you for watching and all the best for your bright future. God bless you all, young ladies and gentlemen.